हेलो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपोर्ट सिस्टम अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ओके सो आपने अपने घर पे देखा होगा जिनके घर में ना पानी जो है पानी का टैप है जिनके घर में किचन में टैप है वॉशरूम में टैप है इवन जहाँ पर भी हम वॉश करते हैं वहाँ पर टैप है तो ये टैप में कहाँ से पानी आता है यू आपको पता है ये टैप में पानी कहाँ से आता है ये टैप में जो पानी आता है वो ग्राउंड के नीचे से आता है ना ग्राउंड के नीचे से पानी को स्टोर किया जाता है टैंक में एंड उसके बाद पाइपलाइन से आ, आपने देखा होगा अपने घर पे पाइपलाइन के जरिए पानी को जो है अलग अलग जगह में पहुंचाया जाता है दैट मीन्स हम पहले बोरिंग करते हैं या करवाते हैं एंड उस बोरिंग के जरिए पाइप लगा के पानी को पाइप के जरिए हम ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं टैंकी में स्टोर करते हैं एंड फिर टैंकी से भी जो है बहुत सारे पाइप कनेक्ट करके इधर उधर हम पानी का सप्लाई करवाते हैं ठीक है तो ये तो हमने खुद से किया हुआ एक आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया हुआ पाइपलाइन है जो इधर उधर हम अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी को उठा के जो है यूज़ करते हैं ठीक है ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ पाइपलाइन क्या होता है ट्रीज में भी होते हैं बट वो कोई किसी हम कोई इंसान नहीं बनाता वो नेचुरली बिल्ड रहता है वो पाइपलाइन कैसे होता है वो रूट से लेकर वो रूट से स्टार्ट होता है अंडरग्राउंड में जो पानी निकल खींचता आपको पता है कि जो रूट्स वो क्या काम करते हैं ट्री के रूट जो काम करते हैं वो है पानी और अदर मिनरल्स uh, मिट्टी में से सौपना एंड उसको पहुंचाना ट्रीज में ट्री के एकदम सबसे ऊपर तक पहुंचाना हर एक पत्ते में पहुंचाना हर एक ब्रांच स्टेम में पहुंचाना ये उनका काम है तो रूट क्या करते हैं अंडरग्राउंड से पानी को आ, या मिनरल्स को वहाँ से खींचते हैं एंड फिर उसको पेड़ में पहुँचाते हैं तो वो कैसे पहुँचाते यू एवर इमेजिन जो पेड़ हमको बाहर से दिखता है उसके अंदर पे क्या है क्या आपने कभी सोचा है उसके अंदर पे जो है नेचुरल पाइपलाइंस बने हुए हैं जिसके जरिए खाना और पानी है ना अब सोच रहे हो खाना तो इंसान खाते हैं नहीं खाना पेड़ भी खाते हैं लेकिन उनका कुछ अलग तरीके का खाना है और हमारा कुछ अलग तरीके का खाना है तो उसके ज़रिए उस अंदर पे जो पाइपलाइंस है उस पाइपलाइंस के जरिए जो पानी है और जो फूड है वो पेड़ के चारों तरफ पहुँचता है ईच एंड एवरी लीव्स में पहुँचता है ठीक है ईच एंड एवरी ब्रांच में पहुँचता है एंड स्टेम में पहुँचता है हर जगह पे पहुँचता है तो इसी ट्रांसफ इसी पाइपलाइन इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में जो है आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं समझ में आ रहा है तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है हम घर में जैसे पानी निकालते हैं वो पाइपलाइन तो हम आर्टिफिशियली खुद बनाए होते हैं लेकिन जो ट्रीज़ का जो पाइपलाइन है वो आर्टिफिशियली नहीं वो नेचुरली बिल्ट है वो इस हिसाब से बिल्ट है कि ट्री अपना जो है सारा का सारा जितना भी ज़रूरत का सामान है वो उस पाइपलाइन के जरिए नीचे से रूट से अपने हर एक पत्ते में पहुँचाता है अपने हर एक आ, ब्रांच में पहुँचाता है स्टेम में पहुँचाता है उसके बाद आपको पता है कि ट्रीज खाना भी बनाते हैं है ना तो किचन ऑफ द ट्रीज किसको कहा जाता है लीप्स को कहा जाता है तो ये इन्हीं चीज़ को यूज़ करके जो पानी उनको पाइपलाइन के जरिए मिलता है जो मिनरल्स मिलते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनके जरिए वो खाना बनाते हैं एंड फिर ये पाइपलाइंस के जरिए ट्री पत्ते पत्ते में जो किचन है उनका फिर वो खाना बनने के बाद फिर पाइपलाइन के जरिए ही जो है ट्री के अलग अलग हिस्से में ये पहुंचता है तो आज का चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ठीक है कि आप हमने कभी इमेजिन जस्ट जब छोटे बच्चे होते हैं वो जस्ट इमेजिन करते हैं कि पेड़ कैसे आ, ये बात सुन के उनको बड़ा फैसिनेटिंग होता है कि पेड़ कैसे खाना बनाते हैं कैसे वो पानी अपने अंदर लेते हैं कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो यही सब के बारे में आज के क्लास में हमारा बात होगा ठीक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके जरिए मेनली स्टूडेंट क्या करते हैं प्लांट अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए मेनली जो है पानी एंड खाना यही दोनों को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताया ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सिर्फ प्लांट्स में नहीं है यू मस्ट नो या फिर आपको पता ही होगा आई थिंक कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं कि एनिमल्स भी जब कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उनके अंदर भी ये खाना पानी जो है कई ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ट्रैवल करता है सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जो ट्रैवल सिस्टम या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स के अंदर में पाए जाते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं एंड उसके कंपैरिजन में जो प्लांट्स में जो आ, आपका पाया जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो थोड़ा सा सिंपल है ठीक है लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट एनिमल के अंदर पे वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू ट्रीज़ क्योंकि आपने देखा होगा एक एनिमल एंड एक ट्रीज़ का हाइट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसका हाइट आप ज़्यादा पाएंगे ये विल आपको जो है ऑब्वियसली एक ट्री का हाइट ज़्यादा मिलेगा ठीक है ट्री का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो सिंपल है बट वो लंबा है बहुत टॉल एक एक बीस बीस मीटर तक हो सकता है कि रूट से लेकर एकदम ट्री के सबसे ऊपर में पहुंचाने में जो है 20-20 मीटर का जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लान्स आर लेस कम्पलेक्स एज कम्पेयर टू एनिमल बट द ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द ट्रैवल सिस्टम इन एनिमल ठीक है जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लाट्स में पाया जाता है वह लंबा है एज कंपेयर टू एनिमल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम राइट स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो एनिमल्स के अंदर जो फूड या न्यूट्रंस ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो एक लिविंग टिशू के जरिए होता है जो कि है ब्लड ठीक है उसके जरिए एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रन्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे बॉडी में लेकिन प्लांट में तो ब्लड नहीं पाया जाता देन प्लांट्स में कैसे ट्रैवल करते हैं तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं वास्कुलर सिस्टम ठीक एंड ये वास्कुलर सिस्टम में जो है दो स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज है जाइलम एंड फोलम ठीक है तो यही दो टिश्यूज के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ठीक है जाइलम एंड बोले। तो पहले मैं इसका डायग्राम आपको दिखा दू हाउ डायलम लुक्स लाइक एंड हाउ डज लुक उसके बाद हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ एंड चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे ठीक है स्टूडेंट्स आपने फिर ये जाइलम है इसका डायग्राम आपने देखा ठीक है तो इसके जो चार पार्ट्स है इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी लेना चाहिए कि इसका क्या फंक्शन है ठीक है तो क्या क्या पार्ट्स आपने देखा ट्रेकिर्स आपने देखा वेसल एलिमेंट्स आपने देखा जाइलम जाइलम प्रेनकाइमा आपने देखा एंड जाइलम फाइबर्स देखा राइट तो ये जो चार अलग अलग पार्ट्स है एक जाइलम के अंदर ठीक है ये जाइलम क्या है जाइलम एक टिश्यू है एंड ये जाइलम के अंदर पे ये आ, चार अलग अलग पार्ट है जिसका अलग अलग फंक्शन है ठीक है तो हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है आ, वो हम देखते हैं तो सब, ओके, सब से ओके सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिड्स की ठीक है जो ट्रैकिड्स है ये डायग्राम में आपको दिख रहा है ये लॉन्ग थिन होते हैं लंबे लंबे होते हैं एंड थिन होते हैं और ये डेड सेल्स होते हैं जाइलम के अंदर ठीक है इनका काम क्या होता है जो जाइलम है उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का इनका काम होता है ठीक है इनका जो एंड है आप देखेंगे दर एंड आर टेपर्ड एंड मतलब इनका एंड को आप नोटिस कीजिए यहाँ ये यह जो एंड आपको मिलेगा कि आपस लास्ट में जाके एक पॉइंटेड की तरह हो जा रहे है तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इनका एंड जो है वो टेपर्ड एंड है और ये डेड सेल होता है ठीक है इनका काम क्या होता है जो आ, आपका जाइलम है जाइलम को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का देखिए प्लांट का जो पाइपलाइन सिस्टम है वो क्या है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो अगर इनको कोई स्टिफनेस नहीं मिलेगा तो ये लोग सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे है कि नहीं सीधे अगर नहीं रह पाएंगे तो ये अपना ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो जो ये ट्रैकेट्स का फंक्शन है वो जस्ट ये इतना ही करते हैं कि ये जो टिश्यू है जाइलम इसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं ताकि जाइलम जो है अपना आ, जो कंडक्टिंग का काम है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ठीक से कर पाए ठीक है एक और इनका जो सेल वॉल है वो एक सब्सटेंस से बना होता है लिग्निन ठीक है एंड इस लिगनिन जो है इसको एक स्टिफनेस देता है जिसके वजह से ये ज़ाइलम को एक सपोर्ट दे पाते हैं ठीक है दूसरा है वेसल एलिमेंट ये वेसल एलिमेंट का डायग्राम है एंड वेसल एलिमेंट का काम क्या है ये एक ये भी ये एक लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जैसे आपने पाइप देखा होगा ना पाइप कैसा होता है बीच में से हॉलो होता है ट्यूब लाइक। सो so, वैसा ही स्ट्रक्चर इनका भी होता है ये सेल एंड एंड टू एंड ये जो है जुड़े होते हैं ठीक है थीके? और इनका अगर हम लोग कंपेयर करें देखिए जो ट्रैकेर्ड्स है ट्रैकियड से इनका जो हाइट होता है ये छोटा होता है ट्रैकिट थोड़े लंबे लंबे होते हैं पतले होते हैं लेकिन जो अम्म वेसल एलिमेंट्स है ये वाइडर होते हैं मतलब इनके अंदर से जो ओपनिंग ओपनिंग है एक ओपनिंग की तरह होता है अंदर से पाइप की तरह एंड ये थोड़ा वाइड होता है एंड हाइट में ट्रैकिट से ये छोटे होते हैं ठीक है थीके? इनके एंड में आप देख पा रहे डायग्राम में किस तरह से एक परफोरेशन प्लेट लगा हुआ है परफोरेशन प्लेट एक्चुअली क्या होता है एक ओपनिंग मतलब एक तरह का आप बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं हर एक सेल का एंड में एक प्लेट जैसा लगा हुआ है और उस प्लेट में बहुत सारे होल है जिसमें से जो पानी है या खाना जो भी है रूट से आता है वो आसानी से फ्लो कर पाए ठीक है एंड ये हर जो वेसल एलिमेंट का हर एक सेल का एंड पे ये होता है जो एन टू एन कनेक्ट होने जिस पॉइंट में होता है जैसे कि इस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है तो यहाँ पर एक परफोरेशन प्लेट होगा और यहां पर आपको एक परफोरेशन प्लेट दिख रहा है तो इसके ऊपर भी एक वेसल जो कनेक्टेड होगा तो ऐसे वेसल जो है एन टू एंड कनेक्ट होके एक लंबा पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें से आसानी से जो भी फूड है या खाना है या पानी है वो आसानी से फ्लो कर सकता है एंड परफोरेशन प्लेट से भी ये आसानी से फ्लो कर सकते है क्योंकि पे बड़े बड़े एक होते हैं क्योंकि है कुछ उसके बाद है जाइलम पैरें ठीक है तो जाइलम पैरनकाइमा आप डायग्राम में देख रहे हैं ये ये जाइलम टिश्यू में ये ही एकमात्र ऐसा सेल है जो कि एक लिविंग सेल है इनका काम क्या है इनका काम है, इनका काम है वाटर कंडक्ट करना और ये फूड को भी स्टोर करते हैं ठीक है ये जाइलम पेरेंट कैमा का, का काम है और ये लिविंग सेल है बाकी जाइलम में जितने भी सेल होते हैं वो सब जो है डेड uh, सेल होते हैं जि, जितने भी पार्ट सबको दिख रहे हैं सब डेड सेल पार्ट है सिर्फ जाइलम पेरेंट कैमा ही एक uh, ऐसा सेल है जो लिविंग है जिसका काम क्या है वाटर को कंडक्ट करना एंड फूड को स्टोर करना ठीक है एंड उसके बाद एक और पार्ट है जो कि जाइलम फाइबर फाइवर जाइलम फाइबर जो है एक फाइबर लाइक थिन स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली ट्रैकिड से uh, जुड़े रहते हैं एंड इनका भी जो काम होता है वो भी ये भी पतले पतले लंबे लंबे होते हैं एंड इनका भी जो काम होता है वो भी स्टिफनेस प्रोवाइड करना ये ट्रैकिड्स को सपोर्ट करता है और इनका जो सेल वॉल होता है वो uh, बहुत ही थिक uh, होता है एंड ये जाइलम के जो वेसल एलिमेंट्स हैं एंड ट्रैकिड्स है ये दोनों को ही सपोर्ट प्रोवाइड uh, करते हैं ठीक है तो क्या क्या एलिमेंट है क्या क्या पार्ट्स है जाइलम के एक जाइलम का ट्रैकिड्स है ट्रैकिड्स एंड देन वेसल एलिमेंट उसके बाद अब जाइलम पैरन कायमा एंड जाइलम फाइबर्स सबका अपना अपना काम है सब लोग अपना अपना काम करते हैं एंड ये जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग लिविंग सेल है जो कि है जाइलम पैरन कायमा बाकी सारे के सारे जो है डेड सेल है ठीक है बट इनका अपना अपना फंक्शन है जो ऑटोमेटिक होते रहता है प्लांट के अंदर पे तो ये था जाइलम के बारे में नाउ हम uh, फ्लोएम के बारे में भी कुछ बातें आपको शेयर करेंगे फ्लोएम जो है एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये जाइलम से अलग है ठीक है है जाइलम का जो है एक मैकेनिकल फंक्शन भी है वो कंडक्ट कंडक्टिंग के साथ साथ वो क्या करता है वाटर कंडक्ट करता है रूट से लीब्स तक है ना सभी पार्ट्स तक उसके साथ साथ वो एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं क्योंकि जो ट्रैकेट्स है या फिर जो जाइलम फाइबर्स है वो थोड़ा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है दैट मीन्स वो एक मैकेनिकल फंक्शन भी करता है लेकिन जो फ्लोएम है वो कोई मैकेनिकल आपको फंक्शन नहीं करता है प्लांट्स में ये सिर्फ कंडक्टिंग का काम करता है एंड ये कंडक्टिंग कैसे करता है ये लीब्स से बाकी सारे पार्ट्स में प्लांट का ये कंडक्टिंग करता है और ये कंडक्टिंग क्या करता है लीव्स में जो खाना बनता है प्लांट में जो खाना बनता है यू नो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता तो है सुक्रोज राइट right? तो सुक्रोज क्या होता है सुक्रोज होता है एक टाइप ऑफ सुगर आप बोल सकते हैं सिंपल शुगर जो इजिली सॉल्यूबल है ठीक है उसको ये लेके जाता है एंड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो है इसको ट्रैवल कराता है ठीक है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए नाउ जैसे ज़ाइलम क्या था ज़ाइलम एक वन वे सिस्टम था वन वे मतलब सिर्फ वो रूट से ऊपर के जो है ऊपर तक जाएगा वन वे लेकिन जो फ्लोएम है वो आ, आ, यूनि आप उसको बोल सकते जैसे जाइलम यूनी डायरेक्शनल था इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं मतलब ये एट द सेम टाइम जाइलम में से जो है फ्लोएम में से जो है ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं नीचे की तरफ भी जा सकते हैं साइड वेज भी जा सकते हैं क्योंकि पत्तों से जो खाना है वो एवरी पार्ट में पहुँचाना है इवन कहीं कहीं पर जहाँ पर खाना स्टोर होता है वहाँ पर भी पहुँचाना है तो जब जहाँ पर खाना स्टोर होता है यू नो दैट वो जो है फ्रूट्स के रूप में हम लोग को मिल जाता है जहाँ पर खाना अपना स्टोर करते हैं प्लांट्स है ना सारे प्लांट्स में पहुंचाने के बाद भी कहीं पर स्टोर करता है तो वो अल्टीमेटली फ्रूट्स के रूप में हम लोग को मिलता है तो जो जो फ्लोएम है वो ये फंक्शन करता है जाइलम ने मिनरल्स या जो वाटर है वो रूट से लेकर लीप्स में पहुंचा दिया और तो लीप्स वहाँ पे खाना बनाने के बाद फोटोसिंथेसिस से वहाँ से फिर खाना को जो है दूसरे दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है तो ये वाला काम करता है फ्लोएम ठीक है तो यहाँ पर मिलकर काम करते हैं ये लोग जाइलम अपना काम करता है एंड फ्लोएम अपना काम करता है तो फ्लोएम जैसे जाइलम को मैंने कहा वो एक मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता है ठीक है स्टिफनेस भी मिलता है लेकिन फ्लोएम जो है ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता उसका सिर्फ जो काम है वो आ, खाना को इधर से उधर पूरे ट्रीज़ में जो है पहुंचाना ना जैसे जाइलम के कुछ पार्ट्स थे फ्लोएम का भी आप डायग्राम देख लीजिए फ्लोएम के भी जो है आपको कुछ पार्ट्स मिलेंगे तो स्टूडेंट्स फ्लोएम में क्या क्या आता है देखिए फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फोलियम पैरनकाइमा एंड फोलियम फाइबर्स ठीक है तो ये चार पार्ट्स जो है किस में आते हैं फुल फ्लोएम का पार्ट है जैसे जैसेम जाएल, का कुछ पार्ट्स थे उसके काम के बारे में हमने पढ़ा तो उस तरह से फ्लोएम जो टिश्यू है इसका भी कुछ पार्ट्स है एंड सभी पार्ट्स का जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम को और ध्यान से आप देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है ठीक है तो ये पार्ट्स कौन कौन से हैं एक है सीप ट्यूब्स देन कंपेनियन सेल्स फोलियम पैरेंट काइमा पेरेंट काइमा सेल्स किस से लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेयर्स के लिए होते हैं ठीक है एंड मेनली uh, जो प्लांट में पेरेंट काइमा का, का फंक्शन होता है वो है स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोलियम फाइबर्स इसका डायग्राम आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो यहां पर ध्यान से देखिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखिए जो डायग्राम है आपको बुक में भी मिल जाएगा ये जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये पोर्शन ये है सिप्लेट ये जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू है ठीक है क्योंकि एक्चुअल में अगर आप ये देखने जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ये सीप्लेट है ये है फोलिन पेरेंट ये जो है दिखा रहा है आपको एंड सीप एलिमेंट सब लेबल किया हुआ यहाँ पे है ये है कॉम्पेनियन सेल ठीक है ये फेरीफेल लेयर ऑफ साइटो है इसके बारे में अभी आप आ, नहीं जानेंगे ये बाद में जब फर्दर इसका स्टडीज करेंगे एंड ये है यहाँ पे कुछ पोर्स है ठीक है पोर्स मतलब क्या होता है आपको पता है ये है कुछ पोर्स अः सी पोर एंड ये न्यूक्लियस है तो फिलहाल आप आपके आ, क्लास एट में जो जो चीज के बारे में जानेंगे वो है सिप प्लेट पेरेंट पेरेंट का सेल सिर्फ ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल ये चार चीज के बारे में जो है आप पढ़ने वाले हैं क्लास एट में ठीक है, तो सिफ, आ, सिफ ट्यूब्स क्या होता है? इसका क्या क्या फंक्शन होता है तो पहले देखिए ये दिखता किस तरह का है ये लॉन्ग सिलेंडर एंड ये एक, एक लिविंग सेल से ये लंबा आपको दिखेगा एंड थोड़ा सिलेंडरिकल ठीक है दे आर कनेक्टेड एन टू एंड ये जो है एन टू एन कनेक्टेड रहते हैं दे कंडक्ट फूड मटेरियल थ्रू आउट द प्लान बॉडी इनका काम क्या होता है ये ये जो ट्यूब्स है इनके इनका जो हॉलो है इनके बीच में ये पूरे प्लांट में जो है फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह कंडक्ट करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह मीन्स लीव से लेकर ये ट्रीज के बाकी पार्ट में जो है फूड को कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी ठीक है प्लांट बॉडी फ्लावरिंग प्लांट्स है परफोरेटेड एंड सीप प्लेट्स इन द सीप ट्यूब और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है हर एक जो सिप ट्यूब्स है उनके एंड में सिप प्लेट्स लगे रहते हैं परफोरेटेड एंड्स होते हैं आप परफोरेटेड प्लेट्स आपने जाइलम में भी देखा है तो ये परफोरेटेड एंड एंड्स क्या होता है उसमें पोर्स होते हैं जिसके बीच में से जो भी पास करना होता है वो इजीली पास कर सकता है तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ये देखा जाता है कि जो परफोरेटेड जो सिप सिप ट्यूब का जो एंड होता है वो परफोरेटेड होते हैं जिनको आप सिप प्लेट्स भी कह सकते हैं ठीक है प्लांट इज डिफ्यूज फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू दिस शिप प्लेट्स तो ये जो परफोरेटेड एंड्स है ये जो शिप प्लेट्स है इनका काम क्या होता है इनका काम होता है जो प्लांट uh, सैप है प्लांट एक तरह का फ्लूइड है ठीक है जो uh, ये फ्लो करता है इन शिप प्लेट्स के थ्रू से ठीक है तो एक और बार देख लीजिए सीप ट्यूब्स आर लॉन्ग सिलेंडर लिविंग सेल्स ये जो है लिविंग सेल्स है डेड सेल्स नहीं है दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड और ये लोग जो है एन टू एन कनेक्टेड रहते हैं ठीक है थीके? एक दूसरे से और थर्ड क्या है ये लोग पूरे प्लांट बॉडी में जो फूड है उसको कंडक्ट करते हैं है ना लीफ से लीप में फूड बनता है एंड उसको चारों तरफ प्लांट बॉडी में लोग पहुंचाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के सीब ट्यूब के एंड में जो है सीप प्लेट्स लगे रहते हैं ये एक ये परफोरेटेड प्लेट्स है जिसके जरिए जो डिफ्यूज मतलब जो प्लांट प्लांट्स है उसका डिफ्यूशन इजीली हो सकता है ठीक है मतलब दूसरा पार्ट क्या था हमने देखा कंपेनियन सेल्स तो कंपेनियन सेल्स क्या होता है दे आर पेरेंकाइमा सेल्स तो पेरेंटाइमा सेल्स क्या होता है मैंने बताया आपको पेरेंटकाइमा सेल्स एक्चुअली वो सेल्स होते हैं जो कि किसके लिए रेस्पॅसिबल होते हैं स्टोरेज ऑफ फूड्स प्लांट में ये स्टोरेज ऑफ फूड्स के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्स्ट दे आर लोकेटेड आउट साइड एंड अलॉन्ग साइड द सीप ट्यूब्स ये सिप ट्यूब्स के बाहर जो है सिप ट्यूब के साथ साथ जो है ये लोकेट होता है जी जहां जहाँ सिप ट्यूब्स है सिप ट्यूब जहां जहाँ सिफ जाएंगे पेरेंट कैमा सेल्स जो कंपेनियन सेल्स है ये भी जो है उनके बाहर बाहर से उनसे अटैच होते हुए ये रहेंगे ठीक है दे हेल्प इन द एब्जॉप्शन ऑफ द मेटेरियल टू बी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ये जो पेरेंट कैमा सील्स है ये जो कंपेनियन सील्स है ये किस चीज में हेल्प करते हैं द हेल्प इन द एब्जॉर्न ऑफ द मेटेरियल टू भी ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट प्लांट में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है उसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं ठीक है इसलिए बोला दे हेल्प इन एबजॉर्प्शन ऑफ द मेटीरियल टू भी ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स नेक्स्ट दे डिलीवर शूगर एंड सब्सटैसेस इन टू सिप ट्यूब फ्राम द नेबरिंग सेल्स तो नेबरिंग सेल से ये लोग क्या क्या डिलीवर करते हैं शूगर्स एंड अदर सब्सटेंस इन टू दिप ट्यूब जो भी आस पास के सेल होते हैं वहाँ से वो लोग जो शूगर है या अदर सब्सटेंस है वो सिपटूब में डिलीवर करते हैं अपने आस पास के सेल में से तो ये बहुत ही आपको मैंने सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स का जो भी ये किस तरह के दिखते हैं क्या फंक्शन है वो आपको यहाँ पे लिख के दिया है ये आपको क्या करना होगा आपके कॉपी में भी नोट कर लेना होगा ठीक है बिकॉज ये आपको पूछा जा सकता है कि कंपेनियन सेल क्या होता है उनका काम क्या होता है सीप ट्यूब क्या होता है उनका काम क्या होता है ये आपको पूछा जा सकता है ठीक है ना हमने जाइलम एंड फ्लोएम का जो फंक्शन है जो टिश्यू का जो फंक्शन है वो देख लिया है अभी हम लोग क्या करेंगे इनका डिफरेंस uh, को एक बार uh, देखेंगे कि जाइलम का क्या जाइलम एंड फोलियम का क्या डिफरेंस है ठीक है तो डिफरेंस देखिए एंड उसको आप नोट भी कीजिए तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही एंड ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए ये इसको आपको करके सबमिट करना है एंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख रहा है आपको आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बाय बाय